Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. मेरठ में दो रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट होने से लगी भीषण आग। आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग की टीम के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। मेरठ के मवाना क्षेत्र के मोहल्ला कल्याण सिंह में गुरुवार मध्य रात अरोड़ा रोड स्थित दो चिकन रेस्टोरेंट में आग लग गई। कल्याण सिंह में अरोड़ा रोड पर सलीम की आसिफ चिकन पॉइंट व उसके बराबर में कल्लू का कल्लू चिकन पॉइंट के नाम से रेस्टोरेंट है। सलीम रात लगभग 11:30 बजे रेस्टोरेंट बंद करके जैसे ही घर पहुँचा था, उसके कुछ देर बाद ही रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। आग में किसी की जान को कोई हानि नहीं हुई है। मौके पर मौजूद लोगों ने दमकल विभाग की टीम के साथ मिलकर आग पर काबू पाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस सूचना मिलने पर इंस्पेक्टर अजय कुमार, चौकी प्रभारी अवधेश समेत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और फायर स्टेशन को आग की सूचना दी। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। आग में फर्नीचर व अन्य समेत लगभग 7 से 8 लाख का सामान नष्ट होना बताया है। ये अभी बील रोड बड़ी मस्जिद के सामने एक होटल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और उस आग लगने की वजह से बराबर वाले होटल में भी लगी। अभी कुछ वक्त पहले जो है ये अपने होटल बंद करके अपने घर गए थे। खबर पहुंची कि ऐसे ऐसे हुआ, पुलिस को इन्फॉर्मेशन, फायर ब्रिगेड के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई। वक्त पर आकर उन्होंने इस काम को किया और पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया। कोई हानि हुई इसमें? कोई हताश तो नहीं हुई होगा? कोई किसी तरह का जान का नुकसान नहीं हुआ है। माल का नुकसान की भरपाई की जा सकती है लेकिन जान नहीं गई, ये ऊपर वाले का बहुत बड़ा कर्म है। और यहाँ की आवाम ने भी मिलकर सहयोग किया जिसकी वजह से बड़े सुकून के साथ बहुत जल्द आग पर काबू पाया गया और आग को बुझा दिया गया। हम धन्यवाद करते हैं मवाना पुलिस प्रशासन का और साथ साथ फायर ब्रिगेड का जो वक्त पर खबर मिलते ही पहुंच गए और उन्हें अपने काम को पूरी तरह से अंजाम देकर ये मवाना के हौसले बुलंद किए हैं कि कभी कोई बात होती है तो ये वक्त पर पहुँचने का काम करते हैं। हम इनका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीम। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।